हाँ जी, तो पर मुझे बहुत कुछ इस शो के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यू नो। पर मुझे तो बताया गया था कि यहाँ का होस्ट, इस शो का होस्ट समीर जी हैं और सहवाग जी यहाँ के गेस्ट हैं, वो कहाँ हैं? उनके होने ना होने से कोई ऐसा है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ। एनीवे, लीव देम, सारा मेरे ही कंधों पे है शो। पर उनके लिए तो मैं आई थी। हैं? जी सहवाग सर, कैसे हैं आप? अरे ये आपने ऐसे क्यों करा हुआ है? एक मिनट। समीर बता जरा ऐसे क्यों किया है? वीरूबाजी आज मैं कहूंगा अपने आप को आप कंट्रोल बिल्कुल मत कीजिए। इस तुच्छे आदमी ने हमारे जूतों को यहाँ से वहाँ गायब कर दिया और इसलिए हम लेट हुए यहाँ पर। मैंने देखो तो हमारे मत बोलो, दोनों में सिर्फ तुम्हारे जूते चुराए थे। ओके, तुम्हारा एक जूता चुराया मैंने और इन्होंने तो मुझे फेंक के मारा था। मैंने क्या गायब कर दिया? पर प्रोफेसर तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम्हें फेंक के ही मारने पड़ेंगे जूते, पहनाए थोड़ेंगे। दे दो यार, दे दो यार। एक मिनट, सुनिए सुनिए, क्या क्या नहीं, नहीं करी दो आज तो काम, तो हम करी दो। ये देखिए यहाँ पर होता रहता है, he deserves it, he calls upon it on himself. Good to see you. Everybody, please have a seat, sit down. आइए आप वहाँ पर, आप प्लीज, थैंक यू थोड़ा। Back on my seat. Very warm welcome to all our viewers. Jio Dhan Dhanadhan live mein ho jaye taaliyan bhai show ke liye. Aur Veeru Paaji ka dusra din yahan par aur thode se trauma mein hai. Professor saab ko jhelte hue, but he's enjoying himself. Aur bhai kal prediction bhi sahi ho gayi Delhi wali. Aur yahan par Geeta ji, great to have you on the show. Thank you. It's great to be here. It's great to have you on the show. Sorry. आपको बताते हैं भाई कि आज क्या होने वाला है। इट इज अ ग्रेट क्लैश फॉर द डे, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैच। इट वाज इन फैक्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस 11th एडिशन। द चेन्नई सुपर किंग्स वंस अगेन आर गोइंग टू बी प्लेइंग द मुंबई इंडियंस, द टॉप मोस्ट टीम। टीम ऑल द वे ऑन द टॉप इज गोइंग टू प्ले द टीम ऑल द वे एट द बॉटम। भाई टूर्नामेंट की शुरुआत में कोई कह नहीं सकता था कि ये दो टीम्स इस हालात में एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। बट आई टेल यू वन पर्सन इससे जो बहुत हैप्पी है, गीता इससे बेहद हैप्पी है, क्योंकि भाई पिछले साल जो थे भज्जी थे मुंबई इंडियंस में, इस साल गए वो खाना खाने इडली डोसा सांबर और देखिए टॉप ऑफ द टेबल। यू आर नॉट टू फीलिंग टू बैड अबाउट दिस? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम वेरी हैप्पी। He is doing well and the team is doing very well. तो और क्या चाहिए? वीरूपा जी आपसे बात करते हैं भज्जू के बारे में और थोड़े ऐसे किस्से, बिफोर जब आप उनके साथ खेला करते थे, बिफोर ही मेट हिज लेडी लव, कुछ उन दिनों के किस्से जो शायद ये भी ना जानती उनके बारे में हमें भी बताइए। जो किस्से हुए हैं अगर वो बता दिए तो फिर शादी में वो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, वो ना बताओ तो चल। लेकिन हरभजन सिंह की खास बात एक थी, शायद अब गीता अग्री ना करे, लेकिन उस टाइम में हम लोग बहुत परेशान थे हरभजन सिंह। जब भी वो विकेट लेते थे जाकर जप्पी मारनी पड़ती थी, तो जप्पी भी तो ना दूर से ही देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर उसके पास गए ना इतनी गंदी बदबू आती थी, इतनी गंदी क्योंकि पसीने होते थे, पसीने की स्मेल थी, इतनी गर्मी। तो हम हर मैच के बाद उसे एक बॉटल देते थे परफ्यूम की। क्या बात है, परफ्यूम लगा के आया करती। अब वो टोटली बदल गया। मार्शल आर्ट्स वगैरह बहुत कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स आर इन माय, कह सकते हैं कि बॉडी एंड सोल बोथ। यू कैन डू मार्शल आर्ट्स? यस आई कैन टेल यू। कृपया कमजोर दिल वाले जो है अगर इसको अवॉइड ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक ऐसा हुनरबाज हूँ जो किसी ने नहीं देखा होगा। प्रोफेसर LBW आपके सामने अब ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं कि जो कमजोर दिल वाले हैं ना देखे, बच्चे अपने अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ ले। कमजोर दिल वाले इसको ना देखे। कम ऑन बेबी,
यहाँ प्रोफेसर देख लेना। It broke. बस हो गया। मारो। बस बस। ये नहीं और करो प्रोफेसर साहब। It's over. बॉटल सर पे फोड़ो अभी। अरे it's over. No 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 on the head. कहाँ? On the head. I can. Water. Water martial artist. हुनर देखिए इनका हुनर। On the head again, on the head. नहीं और लगाइए, लगाइए। नहीं रुकिए, रुकिए, ऐसे नहीं। ये भी चलता है, ये भी चलता है। हाँ आप आइए एक ट्राई करते हैं। वैसे one second, आइए ट्राई, no? He's already traumatized, yeah, मैं और। He broke the hammer. Energy देखिए आदमी की। I think एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा अभी। What a great man. राजा भाई को क्लियर क्लीन द स्टेज फॉर अस प्लीज। वेल थोड़ा बहुत कामनेस, थोड़ा बहुत सेमब्लेंस ऑफ ऑर्डर यहां पर, लेकिन आपको बता दें कि स्टेडियम में इस वक्त बिल्कुल कामनेस नहीं है। टॉस हो चुका है एंड द मुंबई टीम रोहित शर्मा विनिंग समथिंग एटलीस्ट, ही इज वन द टॉस एंड इज डिसाइडेड टू पुट द ऑपोजिशन इन टू बैट। ये देखिए द मैन इन येलो, मैन इन येलो एंड मैन इन ब्लू फॉर द डे। दो चेंजेस मुंबई के लिए, जेपी डुमिनी हैज अ गेम टुडे ऑन हिज हैंड इंस्टेड ऑफ कायरन पोलार्ड एंड बेन कटिंग इज ऑल्सो गॉट अ गेम इन टुडे फॉर मुस्तफिजूर। दूसरी ओर चेन्नई में भाई कोई चेंजेस नहीं, टीम ऑन टॉप प्लेइंग इन टॉप फॉर्म, वाई चेंज विनिंग स्ट्रीक एंड कीपिंग द टीम जस्ट द वे इट is. Well, still joined here by the lovely Geeta Basra and the very cool Virupa ji. We've taken him away from Kings 11 Punjab for the day. Bhai match nahi hai, isliye khich kar yahan par le aaye inko. We're picking his brains on exactly how to play this tournament and kaise Kings 11 Punjab has been performing really well. Bhai kal unhone kaha tha ki Delhi ko jagna padega aur aaj ye sunehra mauka hai Virupa ji फॉर मुंबई इंडियंस, इनकी वेकअप कॉल हो सकती है आज अगर सबसे नंबर वन टीम को आज हरा दिया तो। आज मुंबई का दिन है लग रहा है आपको? 100% रियली लग रहा है आपको? पूछ लो। नहीं लग रहा। अब क्यों लगेगा सर, अब तो हेलो टू येलो कर दिया ना। नहीं ये मेरी प्रेडिक्शन है, इनकी नहीं है। इनकी प्रेडिक्शन नहीं है। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हरभजन सिंह चेन्नई जीते, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि टॉस बहुत क्रूशियल होता है आईपीएल में। अगर टॉस मुंबई ने जीता और पहले फील्डिंग कर रही है एमएस धोनी, लेकिन इस बार पहले बैटिंग करनी पड़ेगी उन्हें, और उनको मालूम है कि उनको शायद 190-200 खड़े करने पड़ेंगे क्योंकि जो मुंबई के बैट्समैन है ज़्यादा देर तक फ्लॉप नहीं रह सकते। तो ये आज अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे, क्यों कहते हैं कि एक बैट्समैन की 3 या 4 इनिंग खराब हो तो उसके बाद 100 आता है जी। तो आज किसका 100 आएगा ये देखने को पता चलेगा। भाई रोहित शर्मा का रहते रहते रह गया 94 पे थे, विल ही ओपन द इनिंग्स और नॉट। पर यहाँ गीता से पूछते हैं, गीता यार 10 साल की एक लॉयल्टी है ब्लू के साथ, अब एक साल यहाँ पर येलो, बट सीइंग हिम प्ले देयर एंड ऑल्सो हिज एक्स टीम, कुछ दिल में कि यार किसे सपोर्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली इज प्लेइंग ऑन टीम, बट ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि हमेशा लॉयल्टी तो मेरे हस्बैंड के साथ ही रहेगी। बिल्कुल जी, that I am always going to support him no matter which team he plays for, and this year of course it's going to be Chennai, and you know I'm so happy that they're doing well, and my love for Mumbai will always be there because obviously it's like a family. It was, you know, 10 years of playing with them, it was a lovely experience, lekin the ethics of the game is such ki you know anything change, like every year, every 3 years things change, and this year it's different for us, and we're loving it, we're enjoying the journey, and hamesha ye jidhar badhi jayenge hamesha mera support to hamesha wahi rahega. Wah kya baat hai bhai, jahan jahan badhi wahan wahan Geeta. इन्होंने तो अपने आप को बचा लिया यहाँ आकर, हरभजन सिंह तो नहीं हो जा सकते, उन्हें तो येलो पेन को करना येलो पेन ही घूमना पड़ेगा। लेकिन ये बात ठीक है उनके लिए कि देखिए जलंधर में भी आपका घर है, बॉम्बे में भी है और साथ में लंदन में भी है, अभी जाना पड़ता चेन्नई, चेन्नई से थोड़ा पुणे आ गए हैं, तो पुणे आकर थोड़ा सा लाइफ मस्ट बी इजीियर फॉर दैट। Yeah, I mean it's, in fact I'm going tonight after this show, I'll go straight to Pune. I haven't traveled much with the team actually, क्योंकि I have a baby, so it's hard to just keep traveling and everything, but tonight I'll definitely go and spend some time
with the boys and give them some support. My daughter loves seeing him in his jersey and... Of course she does. She's here also, in fact, aapko bata rahe hain. Thodi lights ko dekhe, thodi se ghabra gayi, but she's been saying out, out. Out, toh, yes. Toh pitaji ne sikha diya hai ki out kya hota hai. Aur aap agar out kar dein, toh bada achha hoga. So how do you celebrate? How do you celebrate when Bhaji has a great day on the ground? Kya karti hain aap? I just thank God. Yeah. I say thank you, God. Any victory dance that you have? No, no, no. He has no, this no, whole no. way of celebrating that he does himself. No, that's for him. I don't do any of that. I just, you know, I feel happy, obviously, as a wife. And I hope today he has a fabulous day. I'm hoping, I'm praying. Mera actually yahan baithi hun, but I'm very nervous right now. I'm just thinking, ab kya hoga? Ab kya ho raha hai? Ab kaun sa, you know, kya chal raha hai match mein? Also, I have to ask you about what the wives are thinking. ये बड़ा अजीब होता है कि वीरू भाई देखते हैं कि मैच चल रहा है वो वाइज पे कैमरा जाते हैं वाइज वहां पर नर्वस होती हैं आर यू आल्सो लाइक यू नो कि कैमरास कम ऑन यू थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आई मीन यू फील के यू नो वाइव्स हैव सच अ ग्लैमरस रोल और व्हाटएवर इट्स नॉट इजी इट्स यू नो वी एज देयर पार्टनर आर एज नर्वस of them going out to play hamari apni wo rasme chalti hai you know whatever that you know just trying to be calm and let them have a good day and everything like that aisa nahi hai ke you know we, you know you see the perks of us traveling yahan camera mein dikhte hai ye wo but obviously well the wives also have to have nerves of steel bhai it's a long tournament and the husbands have to perform well and speaking of performing well bhai ek aadmi ka naam aata hai Mahinder Singh Dhoni 150th game as captain in this tournament और बहुत ही